हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम एंड यू हैव गिवन योर एग्जामिनेशन वेरी वेल. सो आफ्टर लॉन्ग टाइम वी हैव मेट अगेन एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 4 एंड चैप्टर 4 इज ऑक्सिलरी वर्ब. सो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टेल यू दैट व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड हाउ कैन वी यूज इन ऑल द सेंटेंसेस. ओके, सो लेट्स सी स्टूडेंट्स. हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज चैप्टर 4 एंड द चैप्टर 4 इज ऑक्सिलरी वर्ब. दिस इज योर चैप्टर नेम, ऑक्सिलरी वर्ब. सो स्टूडेंट, टुडे आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर टुडे. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब. सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, देन आई विल एक्सप्लेन द ऑल चैप्टर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल I will explain only the auxiliary verb, that what is an auxiliary verb. Okay, student, auxiliary verb or helping verb, this all are same. Auxiliary verb जो होता है वो helping verb होता है, यानी किसी भी sentence को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक helping verb की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम auxiliary verb भी कहते हैं. ठीक है, helping verb it means is, am, are, has, have, was, were, had, will, shall. ठीक है, ये जितने भी लगते हैं ना, ये सारे auxiliary verb हैं. auxiliary verb से क्या होता है स्टूडेंट, कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम auxiliary verb इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि ये किस सेंटेंस में है. जैसे अगर हमने कोई सेंटेंस बनाया उसमें is, am, are का यूज़ हुआ है तो इससे हम पहचान जाते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. हैज हैव लग जाते हैं तो इससे हम पहचान लेते हैं कि ये अगर हैज हैव लगता है तो इससे हम पहचान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में है. तो इसके अकॉर्डिंग हम सारे सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं. जो भी हेल्पिंग वर्ब है यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो लगे होते हैं सेंटेंस में, इसके अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं कि ये किस सेंटेंस में है. और सब सेंटेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम यूज़ कर सकते हैं. यानी अगर हमें कोई सेंटेंस प्रेजेंट में लिखना है तो उसको हम प्रेजेंट में लिखेंगे और प्रेजेंट के ही ऑक्सिलरी वर्ब उसमें यूज़ करेंगे. अगर पास्ट में लिखना है तो पास्ट में लिखेंगे और उसमें पास्ट के ऑक्सिलरी वर्ब जो भी है, जैसे वॉज, वर, हैड, ये हो गया, इसको यूज़ करेंगे. और फ्यूचर में अगर लिखना है तो विल, शैल, ऐसे यूज़ करके हम सेंटेंस को बनाते हैं. इससे हमें पता चलता है कि ये किस सेंटेंस में है. और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद भी एक मेन वर्ब होता है जो कि हम यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग. जैसे अगर is, am, are हमने यूज़ कर दिया है तो वहाँ पे मेन वर्ब में हम ing यूज़ करते हैं. अगर हैज़ हैव यूज़ किया है तो उसमें मेन वर्ब में हम वर्ब थर्ड यूज़ करते हैं. और वर्ज वर्ग का अगर हमने यूज़ किया है या हैड का यूज़ किया है तो उसमें हम पास्ट में जो है थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, और अगर विल, शैल का हमने यूज़ किया है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी सेंटेंसेस जो है बनाते हैं स्टूडेंट. सो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि दैट व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब. सो लेट्स सी इन योर बुक. मैं आपके बुक से बताती हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं बताऊँगी तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा स्टूडेंट्स. ओके, सो लेट्स सी योर बुक. यू कैन सी हियर द एग्जाम्पल्स. Here is a lot of examples like Tina had taken the shortcut yet she was late. Tina जो है, Tina ने अपना lunch कर लिया है, taken the shortcut yet she was late. जबकि वो Tina has taken the shortcut yet she was late. ठीक है, या फिर जैसे हेड लगा है ना यहाँ पे और टेकन हो गया तो ये क्या है, पास्ट में है. इस सेंटेंस को हम पहचान सकते हैं कि टीना अपना लंच कर चुकी थी जबकि वो लेट, तथापि वो लेट नहीं हुई. ठीक है, द लिटिल चाइल्ड वॉज क्राइंग इनकॉन्सोलेबली. ठीक है, वॉज ये भी पास्ट में ही है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब आप देख सकते हैं. और आई वॉज आस्क्ड टू सबमिट माई पेपर्स हियर, ये भी आपका पास्ट में ही है. इस तरह से आपको सारे सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं. जैसे यू मस्ट सेंड मी द एसे टुडे. अब ये जो होता है मस्ट भी ये एक जैसे ऑक्सिलरी बोला जाता है तो इसका हम यूज़ करते हैं चाहिए के लिए यूज़ करते हैं मस्ट. ठीक है, तो जैसे यू मस्ट सेंड मी द एसे टुडे, यानी तुम्हें
मुझे ऐसे सेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेयर डू यू स्टडी। अब जैसे डू डज का भी हम जो यूज़ करते हैं ना, वो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना आपको कि इज एम आर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, और जो हम डू डज का यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। स्टूडेंट इसको अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन का भी यानी सेंटेंसेस का भी ज्ञान होना चाहिए, ट्रांसलेशन आना चाहिए बनाने कि जैसे प्रेजेंट के कितने पार्ट काइंड्स होते हैं, तो प्रेजेंट के 4 काइंड्स होते हैं, पास्ट के 4 काइंड्स होते हैं, फ्यूचर के 4 काइंड्स होते हैं, तो उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, उस तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर आप बताइएगा, तो मैं आपको एक और वीडियो बना के भेज दूँगी ट्रांसलेशन का, ठीक है स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे देखिए वर्ब कॉम्बिनेशन फंक्शन, जैसे यहाँ पे दिया है ना हैड टेकन, यानी हैड के साथ ऑलवेज एंड ऑलवेज हम मेन वर्ब में टेकन यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हैड के साथ, ठीक है। हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होता है जो कि पास्ट में होता है, टू मेक द पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड लगाते हैं, ठीक है। वॉज क्राइम, वॉज के साथ हमेशा आई एन जी यूज़ करते हैं, तो टू मेक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं तो वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके साथ आई एन जी का यूज़ करते हैं। और सेम प्रोसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है, यानी उसमें सिर्फ इज एम आर होता है और मेन वर्ब में आई एन जी होता है, यानी वर्ब 4 होता है, वर्ब का 4th फॉर्म, ठीक है। वॉज आस्ट, ठीक है। और वॉज के साथ जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, वॉइस आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। वॉज, तो वॉज के साथ जब हम पास्ट में बनाएंगे ना, तब वहाँ ई डी यानी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। पास्ट में ऑलवेज एंड ऑलवेज जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है, तो जब हम वॉज को पैसिव वॉइस में, इसको ध्यान रखिएगा, सिंपल सेंटेंस में वॉज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ होगा, ओनली जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, यानी पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को हम बाद में रखते हैं और ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, तो वहाँ जब हम ऐसे बनाएंगे तब वहाँ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो पैसिव वॉइस, ठीक है स्टूडेंट। मस्ट स्टैंड, मस्ट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, टू एक्सप्लेन एन ऑब्लिगेशन, यानी कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए। डू स्टडी, टू मेक क्वेश्चन, यानी डू डज जो होता है डू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, डज के साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और उसको हम क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, उसमें सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, यानी क्वेश्चन बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस सेंटेंसेस द वर्ड्स हैड वॉज मस्ट एंड डू आर ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं क्या हैं, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मैंने आपको अलग से भी समझाया है। एज वी सी दिस वर्ब्स हैव बीन यूज्ड विद मेन वर्ब टू मेक टेंसेस पैसिव फॉर्म्स क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा कि वर्ब जो है कैसे यूज हुआ, कुछ पैसिव फॉर्म में यूज़ हुआ और कुछ क्वेश्चन और नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन, दे आर नेसेसरी बिकॉज दे हेल्प द मेन वर्ब वर्ब टू फॉर्म द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, बट दे डो नॉट टेल अस वेरी मच अलॉन। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उसका जो होता है नो मीनिंग ऑन देयर ओन, उसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो निर्भर होता है, वो सेंटेंस पे डिपेंड होता है। दे आर नेसेसरी, वो हमें हमारे लिए ज़रूरी होता है, दे आर बिकॉज, क्योंकि दे हैव द मेन वर्ब टू फॉर्म द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी हम ये हमारे लिए ऑक्सिलरी वर्ब किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, अभी मैंने बताया ना ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग हम हेल्प जो होता है मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। मेन वर्ब इट मीन्स जो भी हम उसमें जो भी सब्जेक्ट के द्वारा मेन वर्ब हुआ रहता है, जो एक्शन हुआ रहता है, उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो हमेशा हम जो है ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है हमें ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। बट दे डू नॉट टेल अस वेरी मच एलॉन, ठीक है। लेकिन उसके बिना एकदम मतलब अकेले भी नहीं होता है, कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो बिना ऑक्सिलरी के भी होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। उसको हम बिना ऑक्सिलरी के भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है उसका आइडेंटिफिकेशन मस्ट होता है,
उसका आइडेंटिफिकेशन पहले हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें मेन वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए, टू फॉर्म क्वेश्चन, यानी हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब चेंज प्लेस विद द सब्जेक्ट टू फॉर्म क्वेश्चन, यानी कभी भी जब क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब रख देते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ दिस इज टेकिंग टू लॉन्ग, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, तो इसको क्वेश्चन कैसे बनाया हमने, दिस आपका सब्जेक्ट हो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी इज है, तो यहाँ इसको पहले रख दिया सब्जेक्ट के पहले, इज दिस टेकिंग टू लॉन्ग, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया आपका, क्या यह बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बन गया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे ये एग्जांपल्स दिए हुए जो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। टू सॉर्ट, टू फॉर्म सॉर्ट आंसर, यानी कोई भी सॉर्ट आंसर बनाने के लिए भी हम ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प अस टू फॉर्म सॉर्ट रिस्पॉन्सेज, यानी सॉर्ट रिस्पॉन्सेज करने में भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प करता है। फ्रॉम सच रिस्पॉन्सेज द मेन वर्ब इज ओमिटेड एंड इट्स मीनिंग इज इम्प्लाइड, यानी जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कैन यू हेल्प मी क्लीन दिस रूम, क्या तुम मेरी ये रूम क्लीन करने में सहायता करोगी, येस आई कैन। अब ये क्या होता है, यहाँ पे हमने हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया कुछ क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने में, जैसे हमने येस आई कैन बोल दिया तो यहाँ पे पूरा मीनिंग क्लियर हो गया कि हाँ मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है, कर सकता हूँ। यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं रूम साफ़ करने में, तो येस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट हो गया और यहाँ पे हमने ऑक्सिलरी वर्ब का भी यूज़ कर दिया, कैन ऑक्सिलरी हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ये भी एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर द टू अवॉइड रिपीटेशन वी यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब, टू अवॉइड रिपीटेशन, यानी रिपीटेशन मीन्स किसी भी चीज़ को मतलब बार बार वो ना आए, दोहराव कह सकते हैं, रिपीटेशन यानी जो बार बार ना, इसके लिए भी हम ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं। जैसे हर चीज़ के लिए अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब बने होते हैं, जैसे जो सिंगुलर है उसके साथ अलग ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे, जो प्लूरल है उसके साथ अलग बना है, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। जैसे ब्रिंग ऑल दैट यू कैन, है ना, तो ब्रिंग ऑल दैट यू कैन, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे ये वो सारे लाओ जो कि तुम ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब कैन का यूज़ कर दिया तो उससे सारा सेंटेंस क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ हमें बार बार रिपीट करने के लिए नहीं ज़रूरत है, जैसे ब्रिंग ऑल दैट यू कैन ब्रिंग ऐसे हो सकता था, लेकिन हमने जो ऑक्सिलरी का यूज़ कर दिया तो हमें ब्रिंग फिर से लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी हमें फिर से वो चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बोला ना नो, मतलब वहाँ हम रिपीटेशन को अवॉइड कर सकते हैं ऑक्सिलरी के हेल्प से। तो यहाँ पे हमने ब्रिंग, अब फिर हमें लगाना पड़ता तो यहाँ पे हमने कैन लगा दिया, तो नो नीड टू ब्रिंग रिपीटेड, ओके, यहाँ पे हमने ब्रिंग रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखा स्टूडेंट आपने, फिर यहाँ पे इसको भी आप पढ़ लेंगे एग्जांपल, जो नहीं समझ में आएगा यू कैन आस्क विद मी, ओके। टू फॉर्म क्वेश्चन टेक्स्ट व्हेन वी स्पीक वी ऑफन यूज टेक्स्ट टू चेक और reinforce information that we may or may not be sure about something, we just use them to make a point to create a dramatic effect. यानी जो होता है, हम question tag बनाने के लिए भी जो है ये helping verb का use करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम question tag जो है question tag बनाने के लिए भी, जैसे यहाँ पे example दिया है, this is a great book, है ना, यहाँ पे हमने helping verb बना के simple sentence बनाया, this is a great book, isn't it it? Isn't it? यानी क्या है, क्या ये है कि नहीं, जैसे होता है ना कभी कभी हम आंसर भी देते हैं और क्वेश्चन भी खुद ही कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यह बहुत ग्रेट बुक है, isn't it? यानी है कि नहीं, मतलब ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ कर दिया। तो यहाँ पे क्या, यहाँ हमने ऑक्सिलरी का यूज़ किया, isn't it? यानी is not, यानी ये जो होता है ना not का शॉर्ट फॉर्म होता है, इज नॉट इट, यानी isn't it, क्या यह है कि नहीं, ऐसे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे यू कैन स्विम, कॉन्ट यू, अब यहाँ पे हम आंसर दे रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो, कॉन्ट यू, क्यों नहीं तैर सकते,
नहीं तैर सकते तुम। तो यहाँ मतलब हमने आंसर भी दिया और क्वेश्चन भी कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब का हम यूज़ करने के लिए कभी कभी जो होता है, कभी कभी अपने ही हम मतलब स्पीक करते हैं आंसर भी और क्वेश्चन भी उससे उठा के बना देते हैं। दे वर टायर्ड, वरंट थे यानी वे थक चुके थे, वरंट वे क्या थक नहीं चुके थे। तो यहाँ पे आपका ये आंसर भी है और क्वेश्चन भी बन गया है ना। अब देखो जैसे यहाँ लास्ट दिया है, व्हेन अ स्टेटमेंट डज नॉट हैव अ ऑक्सिलरी वर्ब और फॉर्म ऑफ बी एंड हैव एज मेन वर्ब, वी यूज द ऑक्सिलरी वर्ब डू इन द क्वेश्चन टे। यानी कह रहा है व्हेन अ स्टेटमेंट डज नॉट हैव एनी ऑक्सिलरी, जब किसी कोई स्टेटमेंट हम लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं, वहाँ ऑक्सिलरी, सपोज कि वहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है और फॉर्म बी एंड हैव एज मेन वर्ब है ना, और जो होता है उसमें हमें मेन वर्ब के लिए अब हमें क्या करना पड़ता है, तो वी यूज़ द ऑक्सिलरी डू इन द क्वेश्चन टैग। यानी कभी कभी होता है कोई क्वेश्चन हम सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होता है उसमें सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो जो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन टैग के लिए डू या डज का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। या फिर पास्ट इंडिफिनिट को ही ले लीजिए, तो पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, तो उसमें भी हम किसका यूज़ कर देते हैं, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए हम डिड का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल दिया, यू लाइक स्वीट्स डोंट यू, तुम्हें स्वीट पसंद है, ठीक है। तो ये अब लाइक ये फर्स्ट फॉर्म में है, जब कभी भी देखो बहुत ईजी होता है, जब कभी भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आए तो वहाँ एकदम बेहिचक डू या डज लगा सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा समझ लेना जब फर्स्ट फॉर्म में है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और कभी भी जब वर्ब सेकेंड फॉर्म में हो और कोई हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। तो उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड लगा सकते हैं क्वेश्चन टैग के लिए या नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। जैसे यू लाइक स्वीट्स, तुम्हें स्वीट्स पसंद है, ठीक है, तुम स्वीट्स पसंद करते हो। डोंट यू, क्या तुम नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, क्वेश्चन बना दिया डू से, डू लगा के। दे लेफ्ट अर्ली, उसने जल्दी ही छोड़ दिया, ठीक है। डिडंट दे, क्या नहीं छोड़ा उसने, तो ये क्या हो गया, ये आपका हमने पास्ट में बनाया सेकेंड फॉर्म लगा के, और जब हम डिड लगाएंगे तो डिड के साथ हमेशा जो है फॉर्म पास्ट में फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। इसके लिए सेंटेंस आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट, तो यू कैन स्टडी, ओके, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क विद मी, आई विल हेल्प यू, ओके। सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस ऑल द एक्सप्लेनेशन, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज विद योर सेल्फ, ओके। सो टूडे नाउ यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट, एंड आफ्टर देन आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट थिंग इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। नेक्स्ट ऑल द टॉपिक्स आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियोज, ओके। सो today only you have to do this exercise in your copy and write the definition of auxiliary verb in your copy, okay student. So we will meet in next video. Have a nice day.